ए दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आज की सुबह है बहुत ही ज्यादा कड़क, क्योंकि धूप निकल रही है बहुत ही ज्यादा भड़कीली। गाइस यार, अब तो लगता है पूरी गर्मी आ गई है। ओए मुन्ना, मैं तेरा जब से वेट कर रहा हूँ, अभी तू निकल के आ रहा है। ओके गाइस, यहाँ पर आज हो रही है पूरी तैयारी, क्योंकि हम जाने वाले हैं नॉर्थ यंग टेन में। क्योंकि गाइस यार, हमने लॉस एंजेलोस में ठंडी के टाइम पे गाइस एक भी बार हमने स्नोफॉल नहीं देखा, लेकिन भैया और शिनचैन का बहुत ही ज्यादा मन था स्नोफॉल देखने का। तो गाइस यार, नॉर्थ यंग टेन में हमेशा स्नोफॉल होती है और वहाँ का वेदर हमेशा ही कूल रहता है, मतलब कि वहाँ हमेशा बर्फ रहती भैया। और इसीलिए तो हम वहाँ जा रहे हैं। ओके गाइस, आज हम जाने वाले पिकनिक पे। ओए तू गाड़ी लेकर आया? अरे यार भैया, अभी जा रहा हूँ गाड़ी लेने। और तुमने नोरिमा नोविता को बोल दिया ना, टिकट तो कंफर्म है ना अपनी? ओए मुन्ना, टिकट कंफर्म है, प्लेन की टेंशन वाली बात नहीं है। ए ठीक है गाइस, मैं भी फटाफट से यहाँ पे नहा लेता, उसके बाद गाइस हमें गाड़ी लेना है। यार यहाँ पे अपने ट्रक को अपने सस्ते में भेज दिया है, जिसके बाद हमारे पास टिकट के पैसे हो पाए। तो गाइस यहाँ पर हमें एक सस्ते में बल्कि गाड़ी मिल चुकी है। ए ओए जल्दी लेकर आ। अरे यार भैया, जा रहा हूँ। वैसे बात कर ली डोरेमोन नोबिता से, वो लोग रेडी है ना? ओए मुन्ना, वो एक नंबर रेडी है। फटाफट से तू गाड़ी लेके आ, हमें निकलना है जल्दी। ओए कहीं लेट ना हो जाए, ओए फ्लाइट छूट ना जाए। ए भैया, ऐसे कैसे फ्लाइट छूट सकती है, टेंशन वाली बात नहीं है। ओके गाइस, फटाफट से हम लोगों को चल रहा है यहाँ पे गाड़ी लेने। यार यहाँ पे मैंने एक नई गाड़ी बाई करी है, जो कि हमारे लिए तो नहीं है, लेकिन गाइस जो मैं खरीद रहा हूँ यहाँ पे सेकंड हैंड गाड़ी, जो कि सस्ते में हमें मिल चुकी है। उस गाड़ी की डील गाइस मैंने यहाँ पे $500 में कर ली है, और हमारे ट्रक $10,000 में बिका था। तो गाइस ये डील मेरे लिए काफ़ी बढ़िया है, चलो देखते हैं। वैसे यार वो गाड़ी है तो बहुत ही पुरानी, लेकिन फिर भी काम तो कर ही जाएगी। ओके यार, यहाँ पे अभी फिलहाल तो मुझे साइकिल से जाना है। और गाइस यार, उस बंदे से जिससे मैंने गाड़ी बाय करी है, उसका घर ज़्यादा दूर नहीं है। अरे यार, ये साइकिल की स्पीड ज़्यादा नहीं यार, क्या बताओ, 36-37। लेकिन गाइस अब साइकिल की स्पीड देखना कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली, क्योंकि मैं आ चुका हूँ ढलान पे। ये ढलान पे गाइस यार, यहाँ पे देखो कितनी बढ़िया स्पीड मिल जाती है। अरे वाकई में यार, इसकी स्पीड तो मैंने अपनी बाइक जितनी कर दी है। ओके गाइस यार, इसी गली में उस बंदे का घर है जहाँ पे मुझे वो गाड़ी को लुटाना है। ओके गाइस यार, यहाँ पे कौन सा घर था यार। ओके गाइस, यहाँ पे ये ऑरेंज वाला घर था। फटाफट से यहाँ पे गाड़ी पे पास यहाँ अपनी साइकिल को लगा देता हूँ। ओके गाइस, ये नहीं वो गाड़ी जिसको मैंने बाय किया है, मतलब कि यार बात करी है। वैसे यार आप लोग सोच रहे हो इतनी पुरानी गाड़ी मैंने क्यों ली, क्योंकि यार अभी अपने पास बहुत ही कम डॉलर हैं, इसलिए फाइनली मैंने काम चलाने के लिए ये वाली गाड़ी बाय कर ली है। ओके गाइस यार, उस बंदे से एक बार मैं बात कर लेता, उसका मन तो है ना बेचने का, कहीं बाद में पलट जाए। ए जॉन किधर हो? अरे होगी भाई, मैं नीचे आओ। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वैसे यार तुमने गाड़ी पे कपड़ा भपड़ा सब मार दिया ना, इंजन वगैरह सब ठीक है? अरे हाँ सब ठीक है। वैसे मेरी स्पेशल एक रिक्वेस्ट है, उस गाड़ी को कहीं फेंकना नहीं, वो मेरे दादा की गाड़ी थी। अच्छा समझ गया, तुम्हारे दादा की गाड़ी, तो चलो कोई नहीं। वैसे ये गाड़ी तो मुझे $500 में दे रहे हो। अरे नहीं, मैंने इसको रिपेयर कराया, तो इसके बाद मेरे को इसकी कीमत बढ़ गई, $700 दे दो मुझे। अरे नहीं, मैं 700 तो नहीं दे सकता, $500, वो भी तुम्हें मैं फोन में अभी कैश ट्रांसफर कर देता हूँ। अच्छा ठीक है यार, तुम दोस्त और पड़ोसी भी हो तो ठीक है। ओके गाइस, तुम्हारी यहाँ पे डील हो चुकी डन, और फाइनली मैंने उसके अकाउंट, मतलब कि फोन में अकाउंट में पैसे भेज दिए। बस हमें अब यहाँ से गाड़ी को उठाना है और फटाफट से अब यहाँ से निकलना है। फाइनली यार गाड़ी को देखते हैं, और उसने बोला कि उसने नया इसके अंदर यार इंजन लगवाया है, पहले वाला इंजन खराब हो गया है। तो गाइस देखते हैं क्या इंजन काम का है। अरे यार यहाँ पे तो गाड़ी मोड़ना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ओके गाइस, चलो फटाफट से हम चलते हैं यहाँ पे अपने घर पे। अरे यार कहीं लेट ना जाओ, फिर लेट हो गया तो भैया मेरे ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाने वाले हैं। ओके गाइस, फटाफट से पहुँचते हम यार यहाँ पे। हट जाओ मेरे आगे से। अबे जाना खटारा गाड़ी वाले। अरे मेरी गाड़ी को खटारा बोला? ओके गाइस, है ही खटारा, क्या बोले अभी मैं। अभी यार हमें सुपर कार पता नहीं कब बाय करने को मिलेगी।
ओके गाइस, यार यहाँ पे फटाफट से हम लोग चलेंगे घर पे, और यहाँ पे हमें निकलना भी है सीधा डोरेमोन और नोबिता के घर पे। हमें उन दोनों को भी पिक करना है अपने मतलब रास्ते से, और सीधा एयरपोर्ट हमें निकलना है। ए भैया जल्दी आओ, मैं गाड़ी लेकर आ गया। ए भैया ओए आ रहा हूँ। ओके गाइस यार यहाँ पे फाइनली यार गाइस हमने यहाँ पे दरवाजे को खोल दिया पूरा लॉक। अब यहाँ पे कोई भी घर में घुस नहीं सकता है। ओए बैग तैयार है मुन्ना, चल जल्दी। ओए तूने बहुत लेट कर दिया। अरे भैया मैं साइकिल से गया तो टाइम तो लगेगा ना। ओए ठीक है जल्दी चलाइए गाड़ी को। अरे भैया जल्दी चलाऊंगा। ओए किधर लेके जा रहा है? अरे यार मैं सोच रहा हूँ मेन हाईवे से चलते, भैया गली से चलेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ओके गाइस यार पे हमारे पास कितना टाइम रह गया भैया? ओए मुन्ना आधा घंटा, बस फ्लाइट छूट भी सकती है, जल्दी कर। अरे भैया सबसे पहले तो मैं डोरेमोन नोबिता के घर पे भी तो चल रहे। ओए हाँ मैंने उनको बोल दिया घर के बाहर ही खड़े रहे। ओए अब तैयार रहेंगे। अच्छा ठीक है गाइस यार यहाँ पे डोरेमोन नोबिता हमारे साथ जा रहे हैं, और उन्हीं दोनों ने हमारी टिकट भी बुक करी है। हमने बस उनको यहाँ से कैश मतलब भेज दिया था, और डोरेमोन ने अपने फोन से टिकट को बुक कर दिया था। ओए ये क्या हिरन गिर गया, मुन्ना उठाना पड़ेगा क्या उसे? भैया नहीं नहीं लगता ठीक है चलेगा वो। ओके गाइस एनिमल्स को कभी भी हार्म नहीं करना चाहिए। हाँ सही कहा ना भैया। ओए सही कहा नुबड़े। ए दोस्तों फाइनली यहाँ पर हमें इस फटाफट से चलना पड़ेगा। वैसे गाइस लगता है लॉस सैंटोस में भीड़ कम है, जाम कम लग रहा है भैया मुझे। ओए जाम कम है कि जाम अभी लगने वाला है मेन रोड पे, तो चल। हार यार मुझे क्या लगता है भैया मेरा कच्चा छूट गया? अरे यार सिंचन तुमने अपना कच्चा रखा नहीं था क्या? अरे नहीं मैंने अपने दो कच्चे रखे थे लेकिन एक भूल गया। अरे यार ये क्या, ओए तो क्या तू पत्ते पहन लियो ऐसा कर। अरे यार ये कैसी बात कर रहे हो? अरे यार सिंचन अब हम घर नहीं जा सकते, अगर हम घर गए तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और ऑलरेडी हम काफी लेट हो चुके हैं। ओए सही कह रहा है, तो फटाफट से ऐसा कर चल अभी बाद में चले वही खरीद लेंगे। अरे चलो ठीक है। ओके गाइस यार यहाँ पे फाइनली यहाँ पे रेड लाइट को हमें तोड़ के निकलना ही पड़ेगा। ओए रेड लाइट का इंतजार करेगा ना तो यही रह जाएगा मुन्ना, और पता चलेगा फ्लाइट छूट भी गई। अरे भैया फ्लाइट ऐसे कैसे छूट सकती है, मैं भैया फ्लाइट में तो बैठना ही है। ओए मुन्ना वैसे हम कितने दिनों बाद पिकनिक पे जा रहे हैं? अरे हाँ भैया बहुत टाइम हो गया गाइस हमें घूमे हुए साथ में, भैया मजे आ गया। ओके गाइस सबसे पहले मैं डोरेमोन नोबिता के घर पे चलना है, तो यहाँ पे मैंने गाड़ी की स्पीड सही कर ली है। ओए एक्सीडेंट मत कर लियो किसी में। अरे नहीं भैया यार मैं एक्सीडेंट नहीं करने वाला, मैं बहुत ही बढ़िया ड्राइवर हूँ भैया, तुम्हारी तरह नूब नहीं हूँ, समझ गए ना? ओए हाँ हाँ अपनी तारीफ कर रहा है नूबड़ा कहीं का। भैया फाइनली गाइस हम काफी ज्यादा पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे ओए मुन्ना निकाल चले फटाफट से 1 2 3 लेट्स गो। अरे यार भैया लेट्स गो ही तो हो रहा है। ओके गाइस फाइनली यहाँ पर हम पहुंचने वाले डोरेमोन और नोबिता के घर पे। आई होप यार वो दोनों बाहर ही खड़े हो, यार बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं है वेट करवाने का। ओए नहीं ओए, अरे यार भैया चुप रह गए गाइस, अभी जल्दी जल्दी पहुंचना है कैसे भी। ओए मुन्ना तेरे को मैं बोल रहा हूँ गूगल मैप चालू कर ले। ये भैया रुकोगे एक मिनट गाइस, यार यहाँ पे मेरी गाड़ी की स्पीड बहुत ही जाए, वैसे गाड़ी तो यार काफी मस्त चल रही है, इसके ब्रेक वगैरह भी काफी अच्छे काम कर रहे हैं। ये हुई ना बात भैया। ओए मुन्ना ब्रेक लगा। अरे यार भैया ब्रेक लगा ली थोड़ी, यहाँ पे साइड पार करते हैं। ओके गाइस फाइनली हम डोरेमोन नोबिता के घर पे आ गए, और यहाँ पे डोरेमोन नोबिता बाहर ही खड़े हैं। क्या बात है। अरे यार क्या बात है डा, आगे तुम तो बिल्कुल सही टाइम पे आ गए। अरे हाँ नोबिता मैं तो बिल्कुल सही टाइम पे आ गया, और तुम्हारा बैग वैग तैयार है बिल्कुल, चलो फटाफट से गाड़ी में बैठ जाओ। अरे यार रुको मैं आ रहा हूँ, मुझे बहुत तेज की सुसु लग रही है। अरे यार ये क्या ड्रामा है, मैंने तुम्हें क्या बोला था नोबिता? अरे रुको रुको यार मैं बस आया, अभी 2 मिनट रुक जाओ। अरे यार ये क्या गड़बड़। ओए ये कहाँ भाग गया नोबिता? अरे यार भैया वो सुसु करने गया है। अरे यार सफर में जाने से पहले सुसु तो करना ही चाहिए। चलो यार मैं सुसु यहाँ पे कर लेता, अभी रिलैक्स फील हो रहा फटाफट से हैंड वॉश करके, और यहाँ पे मैं देखता हूँ यार मेरे जैसा कोई स्मार्ट तो यहाँ पर है नहीं, आगे में यार बढ़िया तो लग रहा हूँ। चलो यार अभी चलते फटाफट से निकलते। ओए जल्दी आ बाहर नुबड़ा कहीं का। अरे यार नोबिता जल्दी बाहर आओ यार, क्या कर रहे हो तुम? अबे यार। अरे यार क्या करते हो नोबिता, मैंने तुम्हें बोला था ना फ्रेश होने के लिए, फिर भी तुम इतना टाइम लगा दिए।
अरे यार डोरेमोन तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो गाइस हम यहाँ से हमें निकलना है। ओए मुन्ना गूगल मैप ऑन कर ले। अरे यार भैया टेंशन वाली बात नहीं, मुझे पूरा रास्ता याद है भैया किधर से जाना है। ओए मुन्ना बहुत कम टाइम रह गया है, ओए फ्लाइट छूट गई तो मैं तेरे को मारूंगा पकड़ के। अरे भैया कैसे फ्लाइट छूट जाएगी, टेंशन वाली बात ही नहीं है। गाइस यार फ्लाइट कैसे मिस होगी। ओए तुझे रास्ता तो पता है ना। अरे यार मुझे भैया रास्ता पता है। अरे यार थोड़ा सा पीछे हो, क्या कर रहे हो। अरे ठीक है ढंग से बैठ जा, वैसे गाड़ी छोटी है। कैसे भी एडजस्ट करके तुम तीनों पीछे बैठे रहो। अरे हाँ ठीक है होगी भैया, हम लोग यहाँ पे पीछे बैठे हुए हैं। ठीक है गाइस बैठे हो, नहीं तुम लोग तो खड़े हो। अरे हाँ वही तो मैं कह रहा था, हम लोग तो पीछे खड़े हैं। ओके चलो गाइस यार यहाँ पे फाइनली मुझे लगता है। ओए मैं तुझे बोल रहा हूँ नुबड़े, गूगल मैप निकाल ले और एयरपोर्ट की लोकेशन डाल ले। अरे भैया नहीं यार मुझे पूरा रास्ता याद है यार, क्या बात कर रहे भैया तुम्हें भी यार, मुझे लॉस सैंटोस का चप्पा चप्पा पता है किधर से कहाँ मुड़ना है। एक एक गली पता भैया। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे तो लगता है होगी भैया तुम गलत जा रहे हो। अरे यार सिंचन मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, यही रास्ता जाएगा। अरे नहीं मुझे तो लगता है तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। अरे ये क्या अभी तुमने गलत बोला भी सही बोला, ए क्या बोलना चाह रहे हो। मैं सिंचन तुम अपना गूगल मैप बंद कर लो, तो मुझे लगता है गलत डायरेक्शन बता दोगे, मुझे कंफ्यूज नहीं करने का। ओए मुन्ना अब तक तो एयरपोर्ट पहुंच ही जाना चाहिए था। अरे भैया मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कोई चॉपर नहीं चला तो जो कि तुम्हें सीधा उड़ा के एयरपोर्ट पर ले जाऊंगा, यार कैसी बात कर रहे हो। ओए नुबड़ा लेट नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है मुन्ना खाली 10 मिनट रह गए। ओए अगर हमें जल्दी पहुंचना ही पड़ेगा। अरे यार जल्दी कर रहा हूँ भैया, अभी कितना जल्दी कर रहा हूँ, ये वाला रोड था क्या। नहीं नहीं यार ये वाला नहीं। ओए कौन सा है। अरे यार भैया लगता है मुझे ये वाला रोड था। ओके गाइस यार यहाँ पे हमें ये वाला रोड लेकर चलना है। ए क्या करूँ भैया। ओए क्या कर रहा है। अरे भैया चुप रहोगे। गाइस यार यहाँ पे ये वाला फ्लाईओवर लेके हम ये वाला फ्लाईओवर लेके कि नहीं लेंगे। ओए अरे क्या मुन्ना तेरे को पता भी कि नहीं पता है, टाइम बहुत कम है। अरे यार भैया मुझे सब पता है रास्ता, तुम बस चुप रहोगे। ओके गाइस तुमने ये वाला रास्ता लिया, आई थिंक ये ठीक है क्या। ओए रोक गाड़ी को, ऊपर बोर्ड पे क्या लिखा है। अरे पोर्ट पे आ रहा रास्ता। अरे यार भैया तुमने पढ़ भी लिया क्या। ए भैया ये पोर्ट पे पक्का ही जा रहा है, एयरपोर्ट तो हो रहा, लेकिन गाइस ये क्या। ओए गाड़ी रोक गधा कहीं का, मैं जब से बोला गूगल मैप ऑन कर ले तो गलत रास्ते पे लेकर आ गया नुबड़े। अरे यार ये क्या, वाकई में लगता है मैंने एक रास्ता गलत पकड़ लिया और गाइस हम लोग उल्टा आ गए। ओए तू उल्टा नहीं आ गया, तू गलत आ गया। अरे हाँ भैया गलत आ गए, अरे सॉरी सॉरी यार। ओए अगर फ्लाइट छूट गई ना मुन्ना मैं तेरे को इतना मारूंगा। ए भैया मेरी कोई गलती नहीं है, तुम लोगों को भी तो रास्ता बताना चाहिए ना मुझे। ओए संभाल के चला। अरे यार भैया मैं यहाँ पे सही चला रहा हूँ, गाइस यार ये हट जा सामने से। ओए यहाँ पे भैया फ्लाईओवर लेने नहीं था नुबड़ा कहीं का। ए भैया फ्लाईओवर नहीं लेना, अच्छा ये वाला तो ऊपर ही जा रहा होगा, नीचे चलना था क्या। ओके गाइस मुझे लगता है एयरपोर्ट पे ये वाला रास्ता पक्का जाएगा, ये वाले रास्ते से। ओके गाइस एयरपोर्ट के पास यार इतने ज्यादा मोड़ होते कि पता ही नहीं चलता कौन से कट पे कहाँ मुड़ना है। ए दोस्तों इतने सांप वाले रास्ते होते हैं ना। ओए मुन्ना बहुत सही, यही वाला रास्ता मुझे लगता है। अरे यार भैया मुझे भी लग रहा है यही वाला रास्ता है। ओके गाइस फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं और सीधा हमें यह। ओए ओए मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे यार भैया फाइनली एयरपोर्ट पे आ गए मैं। ओए मुन्ना सिर्फ 1 मिनट रह गया है। अरे भैया किस लिए, 1 मिनट किस चीज के लिए। ओए गधे कहीं के 1 मिनट रह गया फ्लाइट छूटने के लिए। ओए चेक इन पैकिंग बाद में करेंगे, सीधा एयरपोर्ट फ्लाइट में बैठते हैं। अरे भैया मतलब एयरप्लेन में बैठे क्या। ओए बहुत ज्यादा लेट हो गए। अरे गाइस यार सीधा एयरप्लेन में बैठना है। भैया एयरप्लेन अपना किधर लगा है। ओए मुन्ना वो मुझे लगता है रनवे पे होगा। अरे हार भैया बिल्कुल तैयार हो क्या वो अपना एयरप्लेन। ओए मुन्ना वो देख रनवे पे मुझे नजर आ रहा है ब्लैक कलर का, वही है। अरे जल्दी कर। अरे भैया मैं जल्दी कर रहा हूँ यार, वो स्टार्ट ना हो जाए। ओए कहते स्टार्ट ऑलरेडी एरोप्लेन, कहीं उड़ गया ना फिर मुन्ना तू पिटेगा। हे भैया मेरी कोई गलती नहीं इसमें। ए फटाफट से तुम लोग उतरो, लगेज को उतारो यार, मुझे लगता है एरोप्लेन कभी भी उड़ सकता है। ओए वो टेक ऑफ होने वाला है। अरे ये क्या। अरे भैया वो तो टेक ऑफ कर गया। अरे नहीं गाइस यार एरोप्लेन तो उड़ गया। ए एरोप्लेन वाले भैया रोक लो। अरे नहीं यार।
ओए ये क्या हो गया मुन्ना? अरे यार भैया, अरे यार एरोप्लेन तो चले गया, अब हम क्या करें भैया? हमारा नॉर्थ यंगटन में जाने का सपना ही रह गया यार। ओह नो गाइस, हमारी फ्लाइट यहाँ पे छूट चुकी है। ये अरे यार भैया, ओए मुन्ना उतर भी नहीं पाए और प्लेन टेक ऑफ कर गया। अरे यार भैया अब क्या करें यार, हमारे पैसे भी चले गए, फ्लाइट भी छूट गई और गाइस हमारे पिकनिक लगता है पूरी तरीके से खराब हो गया। अरे यार ये कैसे हो सकता है भैया, मेरा तो बहुत ही ज्यादा घूमने का मन कर रहा था, लेकिन ये क्या तुमने बहुत ही ज्यादा लेट कर दिया। अरे यार मैंने क्या लेट करा, तुम लोग मुझे ब्लेम करना बंद करोगे? हाँ वैसे मैं गाड़ी इतनी फास्ट चला रहा था और रास्ता यार तुम लोगों को भी तो एक बार बताना चाहिए ना, मैं कट क्या भूल गया। ओए ये नोबिता ने और लेट कर दिया ना, इसको सूसू लग गया जो। अरे हाँ यार अभी क्या करना यार भैया, ऐसा करते अभी अरे यार कोई दूसरा जुगाड़ नहीं क्या भैया? ओए मुझे नहीं पता। अरे गाइस यार यहाँ पे कहीं दूसरा जुगाड़ तो होगा जो कि नॉर्थ यंगटन तक जाती हो भैया। ओए मुझे नहीं पता यार। अरे भैया तुम्हें नहीं पता? ए भैया मुझे लगता है यहाँ पे किसी से पूछना चाहिए। अरे इधर आओ क्या हो गया, मैं दूर से देख रहा था तुम्हारी फ्लाइट मिस हो गई। अरे हाँ हमारी फ्लाइट मिस हो गई, वैसे यार तुम इस एरोप्लेन को उड़ा सकते क्या? अरे नहीं ये मेरा एरोप्लेन है लेकिन मैं इसको उड़ा नहीं सकता। वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे थे? अरे यार हम लोग जा रहे थे नॉर्थ यंगटन में लेकिन हमारी फ्लाइट छूट गई, अब लोग हम घर जा रहे हैं। अरे टेंशन मत लो, लॉस सैंटोस में तुम्हें नहीं पता क्या बुलेट ट्रेन चालू हो गई है नॉर्थ यंगटन के लिए सीधा। अरे क्या बात कर रहे हो, बुलेट ट्रेन? अरे हाँ और मैं उसी ट्रेन का ड्राइवर हूँ। अरे यार क्या बात कर रहे हो? ए भैया भैया, ओए क्या आ गया मुन्ना? अरे भैया यहाँ पे एक पायलट मिला, उसने बताया कि यहाँ पे बुलेट ट्रेन चालू हो गई है सीधा लॉस सैंटोस से नॉर्थ यंगटन तक जाएगी। ओए मुन्ना क्या बात कर रहा है? अरे हाँ भैया सीधा मैं चल के नीचे से टिकट ले ली नीचे काउंटर से। ओए जल्दी कर मुन्ना इससे पहले वो भी छूट जाए। अरे हाँ भैया फटाफट से गाइस हम लोग टिकट खरीदने वाले हैं। अच्छा यार उस आदमी ने हमें बुला लिया भैया, वो पता था वो खुद ही पायलट है बुलेट ट्रेन का? ओए क्या बात कर रहा हो, टिकट बेच रहा है वहाँ पे? भैया मुझे नहीं पता, लगता है उसे कुछ काम होगा। ओके गाइस तुम लोग यहाँ पे वेट करो, मैं नहीं चाहता तुम लोग भी आओ और लेट हो जाए, मैं जाता हूँ फटाफट से टिकट बुक करा के आता हूँ। अगर ये सारे आते हैं ना तो गाइस यार यहाँ पे टाइम पास करने लग जाते और टाइम लगा देते। अच्छा मैंने इन सबको ऊपर ही रोक दिया, फटाफट से हम चलेंगे यहाँ पे टिकट अपनी लेने के लिए। अरे भाई साहब वैसे नॉर्थ यंगटन की कहाँ पे लगेगी टिकट मिल रही क्या? अबे जाना मुझे क्या पता। अरे यार ये मोटा इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? ओके गाइस सीधा मुझे काउंटर पे जाना पड़ेगा। ए नीचे टिकट काउंटर है ना। ओके गाइस फाइनली मुझे लगता है ये वाले काउंटर पे टिकट मिल जाएगी। ओके गाइस फाइनली हम लोग आ गए। हेलो सर, क्या आपके पास नॉर्थ यंगटन तक जाने की टिकट है क्या ट्रेन की? अरे हाँ बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही टाइम दिया सर, यहाँ पे बुलेट ट्रेन बस एक घंटे के अंदर निकल जाएगी। और आपकी कितनी टिकट है? अरे हमारी टिकट है 1 2 3 4 5 टिकट है हमारी, 5 टिकट कर दो फटाफट से, मेरे फोन पे टिकट भेज देना। अच्छा ठीक है सर, मैं आपके फोन पे भेज देता हूँ। वैसे भी ऑनलाइन का जमाना है, पेपर वर्क कम होता है, तो पेमेंट भी आप ऑनलाइन भेजोगे ना? अरे हाँ हाँ मैं ऑनलाइन पेमेंट आपको भेज रहा हूँ, फटाफट से कर दो टिकट। और ठीक है चेक कर लो सर आगे टिकट। हाँ मैं चेक कर लूंगा। गाइस यार यहाँ पे टिकट हमारी बुक हो चुकी है बुलेट ट्रेन में। यार मुझे पता ही नहीं था कि लॉस सैंटोस से नॉर्थ यंगटन तक जाने वाली बुलेट ट्रेन भी आ चुकी है। ओके गाइस फटाफट से अब यहाँ पे अब चलते हैं और यार सीधा में निकलना है रेलवे स्टेशन पे। ओए मुन्ना। ए भैया, भैया मैंने टिकट बुक करा ली है, हमें जल्दी से स्टेशन पे चलना है इससे पहले बुलेट ट्रेन भी पता चले कहीं छूट जाए तो। ओए वैसे रेलवे स्टेशन है कहाँ पे उसका? ये भैया वो मेरे टिकट पे लिखा हुआ है, बोर्डिंग पॉइंट भैया लिख रखा है, फटाफट से हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे। वैसे भैया भी थोड़ा टाइम है तो लेट तो नहीं होने वाले हम। ओए ठीक है, किसी को सुसु तो नहीं करना, यही कर लो जिसको भी करना है। अरे भैया सुसु करने का बाद में टाइम है, बुलेट ट्रेन में कर लेना। ओके गाइस हम फटाफट से पहुंचने वाले यहाँ पे, हम चाहते नहीं बिल्कुल भी लेट हो जाए। ओए मुन्ना जल्दी कर, उसका रेलवे स्टेशन कहाँ पे वैसे?
अरे भैया उसका रेलवे स्टेशन ज्यादा दूर नहीं, बस पास में यार। पुराने वाले ट्रैक के पास में रेलवे स्टेशन है कि क्या है, मैं क्या बताऊं यार। ओके गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं उस लोकेशन में जहां पे ये टिकट के अंदर लिखा हुआ है रेलवे स्टेशन, जहां पे भैया ट्रेन मतलब की बोर्ड करेगी, ओए मतलब की ट्रेन जहां से स्टार्ट होगी। अरे हाँ भैया, हम बोर्डिंग पॉइंट पे फिर सीधा पहुंच रहे हैं। ओके गाइस, हम स्टेशन से पहले वहीं से जाएंगे जहां से ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, ताकि हम यार स्टेशन पे लेट ना हो जाए। ओए मुन्ने, यही पक्का ना तुझे? ए भैया हाँ यार, मुझे पक्का विश्वास है यार, इधर ही होना चाहिए उस ट्रेन को। अरे यार कौन सा रास्ता था? अरे भैया, ओए मुन्ना जल्दी कर। अरे बाप रे भैया, देखा ना, एक बुलेट ट्रेन निकल गई। ये बुलेट ट्रेन थी क्या सामने? ओए सही का बुलेट ट्रेन थी वो नुबड़े। अरे यार भैया, ओ भैया वो रही अपनी बुलेट ट्रेन। ये मजे आ गया, फाइनली गाइस हम लोग बुलेट ट्रेन में सही टाइम पे पहुंच चुके हैं। हे भैया गाड़ी को किधर पार करूं यार? ओए इधर नहीं, और आगे ले चल। अरे यार फाइनली हम यहां पर आ गए और गाइस हमें गाड़ी को पार करना, और ये रही हमारी बुलेट ट्रेन। ये हुई ना बात भैया। ओके गाइस यार, यहां पे मैं अपने पायलट से बात कर लेता हूं। हेलो सर, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी जाओ बैठ जाओ फटाफट से, ट्रेन की सफाई हो चुकी है, बस 10 मिनट के अंदर हम ट्रेन चालू करने वाले हैं। अच्छा ठीक है, वैसे ये सीधा नॉर्थ यंगटन में रुकेगी क्या? हाँ हाँ ये सीधा नॉर्थ यंगटन में रुकेगी। अरे गाइस यार, यहाँ पे ये बंदा पायलट नहीं, पायलट कोई और है। ये खाली यहाँ पर यार ये पायलट वाली ड्रेस पहन के अपने यहाँ पे पैसेंजर कलेक्ट करता है। ओके गाइस, फाइनली हम बुलेट ट्रेन के अंदर घुस चुके, और ये ट्रेन भाई वाकई में काफी ज्यादा लग्जरी है भैया। ओ एक नंबर की लग्जरी ट्रेन है, मुन्ना देख रहा है ना? अरे हाँ भैया, वही तो मैं देख रहा हूँ यार, कितनी ज्यादा लग्जरी ट्रेन है यार, इसके अंदर इतना बढ़िया लग रहा है मुझे। ए भैया इसके अंदर तो हम सो भी सकते हैं यहाँ पे। ओ आया मुन्ना सही है, ये ट्रेन कब चालू होगी? ए भैया बैग वैग रख दिया ना सबका? ओ आया बैग रख दिया है। ओके गाइस, यहाँ पे यार बुलेट ट्रेन काफी सही लग रही है। ये फाइनली गाइस अपनी ट्रेन चल चुकी है, ये हुई ना बात भैया। ओए मुन्ना क्या ही मजा आ रहा है ट्रेन में घूमने का। अरे गाइस ट्रेन में घूमने के बाद आवाज आ जाए रेल गाड़ी छुक छुक छुक। ए सिंजन तुम कहाँ पे? अरे यार ओगी भैया मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से और अच्छा व्यू मिल रहा है। अरे यार व्यू तो काफी बढ़िया मिल रहा है गाइस, यहाँ ट्रेन की स्पीड भी काफी सही चल रही है यार, मैं पहली बार बुलेट ट्रेन में बैठा हूँ, ये मेरी पहली जर्नी बुलेट ट्रेन की। अरे यार ओगी भैया ये मेरी भी पहली जर्नी बुलेट ट्रेन की। अरे यार फ्लाइट में तो मैं कई बार बैठा हूँ, लेकिन गाइस मैं बुलेट ट्रेन में आज तक कभी नहीं बैठा था भैया, कितना बढ़िया लग रहा है बुलेट ट्रेन के। ओए मुन्ना हम लोग टनल में आ गए हैं। अरे भैया वैसे नॉर्थ यंगटन जाने में कितना टाइम लग जाएगा? ए भैया वो देखो नदी, भैया कितनी बड़ी नदी दिख रही है। ओए मुन्ना हम लोग ब्रिज पे जा रहे हैं, बाबरे ब्रिज पे मुझे डर लगता है। अरे भैया जो भी यार, कितना कूल लग रहा है। गाइस हम सुबह नॉर्थ यंगटन में पहुंच जाएंगे, एक रात तो लगने वाली है। ओए मुन्ना ऐसा करते हैं सब लोग सो जाओ। ए चलो गाइस यार, अभी बहुत ज्यादा मेरे को भी थकान हो चुकी है, मैं भी अपना खाना वाना खा के फटाफट से सोते और नेक्स्ट मॉर्निंग में मिलते हैं। फाइनली गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोग पहुंच चुके हैं नॉर्थ यंगटन में। ओए मुन्ना ये तो बहुत ही तगड़ा है, और यार ठंड भी लगने लगे। अरे भैया ठंड तो लगेगी गाइस यार, यहाँ का वेदर देखो कितना बढ़िया है। भैया यहाँ के पेड़ों पे बर्फ जमी पड़ी है। ओए मुन्ना नॉर्थ यंगटन अपने आप में बहुत ही अलग है। ओए आगे लोग पता नहीं कैसे रहते हैं बर्फ में। अरे भैया अगर तुमने पानी यहाँ पे उड़ा के फेंक दिया ना, वो भी बर्फ बन जाएगा। और गाइस यार यहाँ पे रहने के लिए हमेशा लोग अपनी गाड़ी को चालू रखते, अगर एक बार गाड़ी बंद कर दी ना तो उस गाड़ी का फ्यूल सब जम जाएगा भैया। ओए क्या बात कर रहे हैं? अरे हाँ भैया बर्फ जम बन जाएगा पूरा गाड़ी में। और इसीलिए लोग अपनी गाड़ी को स्टार्ट रखते हैं ताकि इंजन चलता रहे। ये फाले गाइस हम नॉर्थ यंगटन की सड़कों पे घूम रहे हैं। अरे यार अपना ड्राइवर तो आया नहीं भैया। ओए नुबड़े बैग भी छूट गया ट्रेन में। अरे यार ऐसे भैया के कारण अब क्या बताऊं, भैया ने यार यहाँ पे बैग ही छोड़ दिया ट्रेन के अंदर। ये भैया कुछ तुमने सही नहीं करा, जो तुमने टैक्सी बुक करी थी वो आया नहीं लेके। ओके गाइस फिलहाल तो हम नॉर्थ यंगटन की सड़कों पे घूम रहे हैं, लेकिन यार यहाँ का जो ही नजारा है ना वाकई में बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार, कितने बढ़िया सारे इतने सारे पेड़ लगे पड़े हैं। भैया वाकई में कितना कूल है। ओए मुन्ना एकदम कूल ही कूल हो रखा है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ, ऐसा लग रहा है ना हम कहीं हेवन में आ गए हैं।
अरे भैया सही कहा गाइस, यार ये लग रहा है ये नॉर्थ एंगटन पूरा हेवन की तरह, पूरा हर जगह बर्फ ही है और हर जगह व्हाइट ही व्हाइट नजर आ रहा है। मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। अरे यारों की भैया लेकिन बर्फ तो पड़ी नहीं रही है। अरे यार इतनी सारी नीचे बर्फ पड़ी, अब कितनी बर्फ चाहिए तुम्हें? अरे नहीं मुझे तो स्नोफॉल देखना था। अरे यार स्नोफॉल देखना, स्नोफॉल आई थिंक यार शाम के टाइम होगा। अभी सुबह हो रही तो इसलिए स्नोफॉल नहीं हो रहा है। ओए मुन्ना चल जल्दी चलना पड़ेगा। अरे यार फटाफट से ऐसा करो, फटाफट से हम भाग के चलते हैं यहाँ पे। हमें होटल पे अब पैदल ही जाना पड़ेगा भैया। लेकिन गाइस ये रास्ता इतना बढ़िया मुझे लग रहा है, वाकई में काफी बढ़िया यार। ओए एक नंबर मुन्ना। अरे यार ये रास्ता काफी सही है भैया। ओए काफी बढ़िया लग रहा है मुन्ना। हे दोस्तों ये हुई ना बात। आखिरकार चलो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे। ओए मुन्ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हे भैया क्या बोल रहे हो? गाइस यार फाइनली हम लोग आ चुके होटल में और हमने होटल में अपनी विजिट कर लिया और हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। और गाइस यार नॉर्थ एंगटन में हमेशा ही हर वीकेंड में पार्टी होती है, क्योंकि गाइस यार यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं जैसे कि हम लोग आए, तो यहाँ पे यार बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन हमेशा ही रहती है। और गाइस यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा हम्बल हैं और बहुत ही ज्यादा सीधे साधे लोग हैं और बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। ओए मुन्ना बर्फ कब गिरेगी? अरे भैया शाम को गिरेगी, शाम तो होने दो। गाइस यार यहाँ की शॉप को भी देखो कितने बढ़िया तरीके से सजा रखा है, एक नंबर भैया। सबने लाइट वाइट लगा रखी है और गाइस यार यहाँ पे हर कोई आता है यहाँ पे ट्री के साथ फोटो खिंचवाने के लिए। ये भैया ये क्रिसमस ट्री देखो कितना बड़ा है, बाप रे बाप। ओए मुन्ना क्रिसमस ट्री हमेशा यहाँ लगा रहता है क्या? अरे हाँ भैया, क्योंकि यार यहाँ हमेशा ही क्रिसमस सेलिब्रेट होता है। और वीकेंड पे क्रिसमस सेलिब्रेट होता है क्योंकि गाइस यहाँ पे हमेशा स्नोफॉल जो होती है। ये भैया ओए मुन्ना ये तो वो है ना स्नोबोर्ड घुमाने वाला। अरे हाँ भैया लेकिन भैया ओए मुन्ना देखो वहाँ पे गाड़ी पे बर्फ जमी पड़ी है। अरे गाइस यार यहाँ पे तो हर जगह बर्फ जमी पड़ी है, थोड़ी देर के अंदर हमारे सर पे भी पता चले बर्फ ही जम जाए। ए भैया गाइस यार यहाँ पे हम फटाफट से कॉफी वगैरह पीते और मैगी नूडल वगैरह खाते और उसके बाद यार यहाँ पे हो जाएगी शाम, फिर देखते स्नोफॉल होगी कि नहीं होगी। ए भैया ओए मुन्ना चल ठीक है। ओके गाइस यहाँ पे फटाफट से हम लोग वेट करते हैं और रात का इंतजार करते हैं। ए गाइस यार यहाँ पे देखो रात हो चुकी और नॉर्थ एंगटन का नजारा रात में एक नंबर होता है। ये देखो भैया कितना बढ़िया लग रहा है। ओए मुन्ना बहुत ही सही लग रहा मुझे देख के। अरे भैया देर ट्री में इतनी बढ़िया लाइट लगी और गाइस ये डीजे और लाइट है क्या बढ़िया चल रहा है। अरे यार होगी भैया लेकिन अभी भी मुझे लगता है बर्फ तो गिर नहीं रही है। अरे यार बस गिरने वाली बर्फ। गाइस यार ये वाला पेट देखो एक हस्की, इसका नाम है डॉग है और ये हमेशा वहीं रहता है जहाँ पे विंटर हो, मतलब ये गाइस ये ऐसे डॉग है जो कि ठंड में रहते हैं। ए भैया लगता है बर्फ गिरने वाली है। गाइस बर्फ गिरेगी गिरेगी। ओए मुझे लगता है तेरी बर्फ अभी इतनी गिरेगी, लेकिन कोई नहीं मुन्ना बहुत मजा आ गया, पिकनिक बहुत बढ़िया सेलिब्रेट करी हमने। अरे भैया बर्फ गिर रही हल्की हल्की, यार मजे आ गए आज तो। आज की मजेदार दिन था। हा?